हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल सॉल्व टेक में। दोस्तों आज मैं आपको नया ट्रेल बताऊंगा जो कि दोस्तों टिकटॉक पे ट्रेंडिंग में तो नहीं चला, लेकिन आप ये वीडियो बनाओगे ना दोस्तों तो 100% ट्रेंडिंग में चला, क्योंकि दोस्तों ऐसा वीडियो किसी ने नहीं बनाया है, और बनाया भी होगा तो दोस्तों व्यूज और लाइक्स मिल नहीं रहे उसमें। लेकिन मैं आपको ऐसा मेथड बताऊंगा जिससे दोस्तों एडिटिंग आपकी बहुत ही अच्छी और कमाल के लगेगी। तो दोस्तों आपको एडिटिंग करना है ये वाला वीडियो, देखिए दोस्तों आप मैं आपको क्लियर बता दूँ। अभी दोस्तों वीएफएक्स वीडियो टिकटॉक पर बहुत ज्यादा चल रहे हैं, तो दोस्तों वीएफएक्स में दोस्तों ठंडा इफेक्ट आ चुका है, ज्वालामुखी इफेक्ट आ चुका है, महादेव वाला इफेक्ट आ चुका है, अर्थ वीएफएक्स वाला इफेक्ट आ चुका है दोस्तों, और एक अभी टोर्नेडो इफेक्ट आया था। अगर आपने दोस्तों टोर्नेडो इफेक्ट वाला वीडियो नहीं देखा तो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, वो भी ट्रेंडिंग होता है, आप जाके देख लिए किस तरह से एडिटिंग करते हैं टोर्नेडो इफेक्ट वाला। लेकिन ये सब दोस्तों सब पुराने हो चुके हैं, मैं आपको नया इफेक्ट बताऊंगा वीएफएक्स वाला, दोस्तों सनराइज इफेक्ट बोल सकते हैं, मतलब सनराइज वीएफएक्स इफेक्ट, मतलब दोस्तों बैकग्राउंड में आपका सनराइज होने लगता है आस्ते आस्ते, आप नॉर्मल रिएक्ट करिएगा आपका पीछे सन राइज होने लगता है बहुत ही अच्छे, और मतलब ऐसा लगता है कि हाँ आप सूरज के पीछे ही, सूरज आपके पीछे खड़ा है और आपके पीछे से ही उसकी सुबह की शुरुआत हो रही है। तो दोस्तों इस तरह वीडियो आपको नॉर्मल शूट कर लेना जैसा मैंने शूट किया है, अगर आपको मैंने सिंपल शूट किया है, अगर आपको अच्छा लगे और भी बढ़िया से कर सको तो कर लीजिएगा। मैं आपको एक से वीडियो का ट्यूटोरियल दिखा दूंगा किस तरह से वो बंदा करता है, इस तरह से आपको कर लेना, ये बंदा इस तरह से कर रहा है तो आप इस तरह से करिएगा तो बेटर है, क्योंकि दोस्तों डायलॉग ही ऐसा है भैया संभाल लेना और इस तरह से करने लगता शाहरुख खान वाला इस तरह। चलिए दोस्तों अभी यहाँ पे टाइम पे भी चलते अपने मोबाइल स्क्रीन पे, दोस्तों आपको एक वीडियो का लिंक मिलेगा सनराइज वाला, जाके डाउनलोड कर लीजिएगा वीडियो में टैप के थ्रू, उसके थ्रू ही हमें एडिटिंग करेंगे। और दोस्तों काइन मास्टर का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्योंकि दोस्तों हम काइन मास्टर के थ्रू ही एडिटिंग करने वाले हैं। अगर आपका दोस्तों काइन मास्टर वाटर मार्क आता है साइड में तो आपको दोस्तों वीडियो के लास्ट में, जी हाँ दोस्तों वीडियो के एकदम लास्ट में जो है तो एंड स्क्रीन में आपको एक वीडियो का लोगो मिलेगा, ऑल इन वन वाटरमार्क रिमूवर, वहाँ पे जाके देख लीजिए किस तरह से काइन मास्टर का वाटरमार्क रिमूव कर दें, वहाँ जाके देख लीजिएगा, और अपना वाटरमार्क आपका काइन मास्टर में आ रहा है तो वहाँ जाके देख के आप रिमूव कर सकते हैं। चलिए दोस्तों बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे, चैनल पर नए तो प्लीज दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में दिख रहे बटन को भी दबा लीजिएगा, और दोस्तों हो सके तो वीडियो लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए फिर बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर, आपको मैं बताता हूँ किस तरह से एडिटिंग करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम काइन मास्टर में आएंगे, प्लस का आइकन में जाएंगे, अपना टिकटॉक वाला रिव्यू सेलेक्ट करेंगे, दोस्तों आपको मीडियम में जाकर वो नॉर्मल वीडियो लेके आ जाना जो हमने अपने नॉर्मल कैमरे से शूट किया है, तो मैं आपको दिखाता हूँ मैंने किस तरह से अपने नॉर्मल कैमरे से शूट किया है, तो वो ये वो वीडियो है दोस्तों आप देख लीजिए, मैं इसका साउंड कर देता हूँ, ये साउंड नहीं है इसमें, लेकिन दोस्तों इसे गॉड से प्रे करता हूँ और आप थोड़ा इससे अच्छा कर लीजिएगा, मैं यानी आपको दिखा दिया किस तरह से करना है, तो इस तरह से ऐसे करिए जैसे पीछे सनराइज मैंने शाहरुख खान के जी करते हैं, किसी के मैंने प्यार का इजहार करता है, तो इस तरह से आप भी कर लीजिएगा, स्लो मोशन में करिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपका स्लो मोशन नहीं हो रहा है तो मैं आपको बता दूँगा किस तरह स्लो मोशन करते हैं। दोस्तों इस तरह से वीडियो आप शूट करिए उसका, दोस्तों देखिए यहाँ से हम स्टार्ट हो जाता है और डायलॉग 7 से 8 सेकंड में स्टार्ट हो जाता है, हम इस वीडियो को 7 सेकंड में रोकेंगे, क्लियर पे टैप करेंगे, कैंची के ऑप्शन में जाएंगे और तीसरा वाला जो ऑप्शन है इस पर हम टिक कर देंगे, तो दोस्तों हमारा ये पार्ट अलग हो जाएगा। उसका दोस्तों हम बैक जाएंगे, बैक जाने के बाद दोस्तों नीचे आपको स्लाइड करते हुए कलर फिल्टर में जाना है, कलर फिल्टर में जाने के बाद दोस्तों इसको रेड कर देना है, रेड करने से आपको एडिटिंग करने में बहुत ही आसानी होगी दोस्तों, इसीलिए मैं आपको रेड करने के लिए कह रहा हूँ। अगर आपका दोस्तों वीडियो स्लो नहीं हो रहा है तो इसलिए आपको टैप करके या नीचे दोस्तों स्पीड कंट्रोल का ऑप्शन है, आप इसे स्लाइड करके पीछे ले आइएगा आपका स्लो हो जाएगा, लेकिन दोस्तों मेरा ऑलरेडी स्लो है तो मैं इसे स्लो नहीं कर रहा हूँ, तो इसे मैं रहने देता हूँ, तो छोड़ देता हूँ, उसके बाद कुछ नहीं करना है, इसको रेड कर दिया है हमने, सॉरी रेड हट गया है, तो फिर से इसमें कलर फिल्टर में जाके इसे हम रेड कर देंगे, तो ये मैंने रेड कर दिया। और उसके बाद दोस्तों इसको शेयर कर लेना है 540p में, अगर आपका दोस्तों 540 में लाइनिंग आता है, अगर लाइनिंग आ रहा है 360p में 24:9 में एक्सपोर्ट कर लीजिए, उसमें मैं 540 में एक्सपोर्ट करता हूँ, अगर लाइनिंग नहीं आता तो इसे एक्सपोर्ट कर लीजिएगा। एक्सपोर्ट करने के बाद दोस्तों आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, वो जाके डाउनलोड कर लीजिएगा, सनराइज़ वाला वीडियो है तो उसको डाउनलोड करके सेव कर लीजिएगा अपने गैलरी में, तो इसका एडिटिंग हो गया, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो इस एडिटिंग के बाद दोस्तों फिर से काइन मास्टर में प्लस का आइकन में जाएंगे, टिकटॉक वाला रिव्यू सेलेक्ट करेंगे और दोस्तों फिर से मीडिया में जाएंगे और कोई एक सभी बैकग्राउंड ले आएंगे, जैसे मैं रेड ही ले लेता हूँ और इसको खींच के 7 से 8 सेकंड का कर लेते हैं, तो ये हमने रेड को ले लिया। और दोस्तों फिर से मीडिया में जाएंगे, अब वो वाला वीडियो लेके आएंगे जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया है, जो आपको डाउनलोड कर लेना है, वो वाला वीडियो सनराइज वाला वीडियो जो है वो लेके आ जाएगा, तो ये वाला वो वीडियो है दोस्तों, इसका साउंड में कट कर देता हूँ
और आपको मैं दिखाता हूँ कहाँ से आपको इसको लेना है। जहाँ दोस्तों लाल वाला सनराइज़ होता है ना, वो आप लीजिएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ से होता है ये। तो स्टार्टिंग में आस्ते आस्ते जो होता है ना, मतलब सनराइज़ स्टार्टिंग में जो होता है, मतलब सुबह सुबह जो सूरज पहली किरण निकलती है वहाँ से हमें इसको लेना है। तो दोस्तों देख लीजिए अंदर जा रहा है, तो यहाँ से हमें इसी स्टार्ट बाहर निकल रहा है, सूरज उग रहा है। तो इसको हम यहाँ से इस लेयर पे टैप करेंगे, ऑलरेडी कैंची पे जाएंगे और दोस्तों पहला वाला ऑप्शन है ट्रिम टू लेफ्ट कर देंगे, तो पहले वाला पार्ट स्टार्टिंग वाला हट जाएगा। इसको थोड़ा स्लाइड करेंगे और आगे करेंगे। देखिए दोस्तों ये सूरज आस्ते आस्ते ऊपर उठ रहा है, तो इस जहाँ तक ऊपर उठ रहा है वहाँ तक हम इसे रहने देंगे। और दोस्तों इस जो सेकंड वाला ऑप्शन है ट्रिम टू राइट, उसे हम एक्स्ट्रा पार्ट में कट करेंगे। तो दोस्तों यहाँ तक हमारा हो गया, लेकिन दोस्तों ये साइज़ हमारा थोड़ा छोटा है, तो क्रॉप में जाएंगे, इसको जूम में इक्वल करके इसको थोड़ा जूम कर लेंगे। तो जूम करने दोस्तों ये थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में, तो जूम कर लिया हमने, यहाँ तक हमारा हो गया, यहाँ रख लेंगे। और दोस्तों आपका पोजीशन जो सा भी हो, देख लीजिएगा मेरा पोजीशन इधर है, लेकिन हमको इधर करना है दोस्तों इस तरह, क्योंकि मैं हाथ इधर दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों आप नीचे आपको रोटेटिंग मिरर में मिल रहा होगा, आप रोटेटिंग मिरर में जाइएगा तो इसको इस तरह से कर दीजिएगा, तो ये आपका रोटेट हो जाएगा। तो आपको मैं दिखाता हूँ सामने ला के, तो क्रॉप करें कि ये थे उधर, तो हम इधर ले आते हैं इसे। ठीक है दोस्तों, इधर ये आ गया है दोस्तों, आप इस तरह से रोटेट कर लेगा दोस्तों, इसका काम हो गया हमारा। तो अब हमें कुछ नहीं करना है, फिर से लेयर में जाना है, मीडियम जाना है, हमें वो वीडियो लेके आना जो हमने रेड कलर में एक्सपोर्ट किया है, तो मैं वो वीडियो लेके आ जाता हूँ। तो ये वीडियो मैंने लिया है, वीडियो का साइज़ आप दोस्तों हाथ से ही बड़ा कर सकते हैं इस तरह से आप चाहें तो, और नहीं तो दोस्तों आपको कैंची के बगल में सेकेंड वाला ऑप्शन है, फिर ऑफ के बगल में ये सेकेंड वाला ऑप्शन दबा दीजिएगा तो फिट स्क्रीन हो जाएगा। और दोस्तों इसको आप स्लाइड करिए, देखिए दोस्तों आप कहाँ से लाल हो रहा है, जहाँ से लाल होगा वहाँ से इसे कट कर लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ से लाल हो रहा है, तो हम इस लेयर पे टैप करेंगे, कैंची पे जाएंगे, तीसरा वाला ऑप्शन में टैप कर देंगे तो हमारा कट जाएगा। और दोस्तों अब हमें कुछ नहीं करना है दोस्तों, हमें पहले वाला पार्ट में जाना है और देखना है दोस्तों बैकग्राउंड वाला जो रेड हमने लिया है वो एक्स्ट्रा है, तो ट्रिम टू राइट जाके कैंची से कट कर देंगे। ये दोस्तों हमारा कम्प्लीट हो गया। अब दोस्तों और कुछ नहीं करना है, इसको थोड़ा बस इस तरह से कर देना है। अब मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, ये तो हमारा रेड आ रहा है, लेकिन हम इस रेड वाले लेयर पे टैप करेंगे, नीचे आपको क्रोमा की का ऑप्शन मिलेगा, इसे इनेबल कर दीजिएगा। तो की कलर आपका ब्लू या फिर जो भी होगा, लेकिन आप इसे रेड रखिए, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड रेड है तो हम इसे रेड ही रखेंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों हमारा वीडियो तैयार होगा, लेकिन दोस्तों सनराइज़ जो हो रहा है थोड़ा ऊपर से हो रहा है, तो उसे हम थोड़ा नीचे लाएंगे, क्योंकि हमारा देखिए गाछ वहाँ है, तो जहाँ गाछ है वहीं से हम सनराइज़ करेंगे दोस्तों। तो हम इस पर टैप करेंगे और दोस्तों क्रॉपिंग वाला जो ऑप्शन है, सॉरी इस पर नहीं, इस पर सनराइज़ में टैप करेंगे, क्रॉपिंग वाला जो ऑप्शन है उसे हम थोड़ा इसको नीचे लेके आएंगे। तो हम नीचे ले आते हैं दोस्तों इस तरह से, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, हाँ। तो यहाँ पर हमने ले आया, अब हम अपना प्ले करके देखते हैं वीडियो कहाँ से सनराइज़ हो रहा है। तो दोस्तों ज़्यादा नीचे हो गया है, तो ज़्यादा नीचे हो गया तो हम थोड़ा इसको क्रॉपिंग में जाके थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। तो जैसे आपको लगे, मतलब जहाँ ज़्यादा नीचे हो गया तो दोस्तों अब थोड़ा लगभग ठीक हो गया है, लेकिन दोस्तों आप थोड़ा इसको और ऊपर कर दीजिएगा, देखने में थोड़ा और अच्छा लगेगा। देखते हैं अब हम दोस्तों हमारा परफेक्ट हुआ है या नहीं। थोड़ा सा परफेक्ट करने के लिए हम इसको थोड़ा सा नीचे करना ही पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों तभी ये परफेक्ट लगेगा। और दोस्तों इसको बीच में रखिएगा ना क्रॉपिंग वाला ऑप्शन में, तो और भी बेटर रहेगा। इसे कर दिए थोड़ा सा, हाँ अब देखते हैं हमारा दोस्तों परफेक्ट कर लिया, थोड़ा आराम से करने से बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, तभी दोस्तों आपका परफेक्ट मैचिंग साउंड होगा। देखिए दोस्तों आप हमारा परफेक्ट एकदम परफेक्ट जगह से बाहर हो रहा है। और दोस्तों जो सनराइज़ वाला एक्स्ट्रा पार्ट है उसे हम कट कर देंगे, तो दोस्तों उसको एक्स्ट्रा पार्ट को कट करने के लिए पे टैप करेंगे और स्लाइड करेंगे और ऊपर वाला जो एक्स्ट्रा पार्ट उस पर टैप करेंगे, तो ऑलरेडी जो एक्स्ट्रा है वो ट्रिम टू राइट में जाकर कैंची से कट कर देंगे। दोस्तों हमारा देखिए वीडियो तैयार हो गया है, अब इसका साउंड मैं टिकटॉक में जाकर दे दूँगा, ओरिजिनल साउंड आपको मिल जाएगा, वहाँ जाकर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका ओरिजिनल साउंड का लिंक मिल जाएगा, हो सके तो हमें टिकटॉक पर फॉलो भी कर लीजिए। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो के साथ साथ ट्यूटोरियल भी आपको पसंद आएगा, पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो लाइक करिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इस चैनल में दोस्तों टिकटॉक से रिलेटेड सारे अपडेट, टिकटॉक से रिलेटेड सारे ट्यूटोरियल जो भी ट्रेंडिंग में चल रहे थे, VFX ट्रेंडिंग हो या फिर एडिटिंग ट्यूटोरियल जैसा भी हो, वो सब मैं आपको इस चैनल पर बताते रहता हूँ। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक लीजिए इन वंदे मातरम, और शेयर में जाके आप यहाँ से फुल HD में एक्सपोर्ट कर लीजिएगा, और अपना साउंड में आपको दे दे रहा हूँ वहाँ जाके अपलोड कर दीजिए।